The next item also is the piece de resistance. I have been specifically requested by Amarendra Dhaneshwar and Neela Bhagwat to not give an elaborate introduction, I think, which is correct, because for an artist, music should speak for them. Nonetheless, while they are, jab tak wo manch par baith jaye, tab tak ek chota sa parichay de deta hun, bas chand panktiyon ka. Neela Bhagwat is a familiar name for lovers of Hindustani music the world over. She's been a frontline exponent of the Gwalior Gharana, and it is truly to her credit that she's upheld the purity of the tradition for the longest period of time. Amarendra Dhaneshwar, who we fondly refer to as Nandu, has been her student actually, and now of course her partner. Shayad hi duniya mein koi aisi jagah hogi, koi aisa shehar hoga jahan in logon ne apna karyakram pesh nahi kiya ho. To bahut accomplished log hai, and unke saathi jo hai wo, I would request in fact either Amarendra or Neela to please introduce them. दोस्तों, जब तक ये लोग तैयार होते हैं, एक दो बातें सीएसएस के बारे में मैं बता दूं. शुरुआत में बताई थी, कोई बात में आया होगा, ये कार्यक्रम सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म की तरफ से हो रहा है. इस कार्यक्रम के द्वारा और वैसे भी सीएसएस की कोशिश ये रहती है कि हम हारमोनी की बात करें, सब साथ में मिलजुल कर रहने की बात करें, और हमारे संतों की वाणी में वो खुशबू है, मिट्टी की खुशबू है, प्रेम का संदेश है, और सब चाहे किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, किसी लिंग के हो, किसी भाषा के हो, हम कैसे एक साथ रह सकते हैं, उसका मंत्र हमें यहाँ कुछ गानों में मिला. यही काम हम पूरे हिंदुस्तान में करते रहते हैं. हमारे पीस सेंटर्स चलते हैं कुछ शहरों में, हिंदुस्तान के कुछ शहरों में हमारे पीस सेंटर्स चलते हैं, वहाँ पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल के बच्चों तक हम पहुँचते हैं. आज भी यहाँ रिजवी कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हुए हैं, दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हुए हैं, और ख़ास करके रिजवी कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हैं जो वॉलंटियर्स के तरह हम सब लोगों को मदद भी कर रहे हैं, साथ में ये संदेशा ग्रहण भी कर रहे हैं. तो ये सीएसएस की कोशिश ये है कि हम कैसे सब मिलकर रहें और कैसे हमारी पहचान को राजनीति ना बनाए. हमारी पहचान हमारे जीने के लिए अच्छी है, और संतों की बात भी, लालन फकीर ने भी यही कहा, राधिका जी ने जो गाने गाए, जो शब्द गाए, उसमें भी यही बात है कि हम सब अपनी पहचान को नकार के कैसे इंसानियत की तरफ, इन सब पहचानों के परे उठकर एक इंसान बनने की कोशिश करें. यही संदेश सीएसएस अपने अलग अलग कार्यक्रमों से देता है और देने की कोशिश करता है. ये कार्यक्रम भी इसी संदेश को, ये जो महान गायक हैं, उन गायकों के माध्यम से और इन संतों की वाणी के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश है, हम सब तक पहुंचाने की कोशिश है. और हम सब इस मैसेज को देखकर अपने अंदर झांक कर देखें कि हम कैसे एक अच्छे इंसान बन सकते हैं. इस प्रोग्राम के कोई स्पॉन्सर्स नहीं हैं, हम छोटे छोटे डोनेशंस के आधार पर हमारी संस्था चलती है. ऐसे प्रोग्राम्स और होते रहे, इसके लिए यहाँ एक डोनेशन बॉक्स रखा है. आप किसी की भी इच्छा हो तो उसमें आप उस डोनेशन बॉक्स में अपनी इच्छा के अनुसार कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ताकि हम ऐसे प्रोग्राम और ज़्यादा कर सकें. यहाँ पर एक किताब भी है, हेरिटेज ऑफ हारमोनी, जो सीएसएस ने पब्लिश की है. हेरिटेज ऑफ हारमोनी, इस किताब में हिंदुस्तान के जो संत दक्षिण भारत के, पश्चिम भारत के, उत्तर भारत के और पूर्व भारत के, और जो महिला संत, उन संतों की वाणी है, उन संतों के बारे में जो जो लिखा गया है उसका, उसके बारे में एक
सोफिया कॉलेज के अब सोफिया कॉलेज में पढ़ाते हैं प्रोफेसर टीसी रॉय। वैसे कैथोलिक धर्म से है लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा ये अभ्यास करके रिसर्च करके सब संतों के बारे में किताब लिखी है। तो हेरिटेज ऑफ हारमोनी किताब यहाँ अवेलेबल है, जिसको और ज़्यादा इन संतों के बारे में और ये संत आंदोलन के बारे में जानना हो तो वो किताब लेकर पढ़ सकता है। हम बहुत ही बहुत शुक्रगुजार हैं कि राधिका जी, रामकृष्ण दास जी, नीला भागवत जी, अमरेंद्र धनेश्वर जी जैसे अच्छे गायक कलाकार, मशहूर गायक कलाकार यहाँ आए और हमारे बीच में आज उनके संगीत के माध्यम से, उनके कंपोजिशंस के माध्यम से हमको एक बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताई और बहुत सुंदरता से ये संदेश हम तक पहुँचाया। हम सबके शुक्रगुजार हैं और उनको अकम्पनिंग जो भी आर्टिस्ट है, विनोद पड़गे जी हारमोनियम पर है, वासुदेव जी मुक्ता रास्ते तबले पर है, वासुदेव जी थे मृदंग पर रामकृष्ण दास जी के साथ, और गायत्री जी है, गायत्री आठले जी है वो भी साथ में गा रही हैं, और बाकी जो ये सारे कलाकार हैं हम उन सबके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ हमें तीन मार्ग है, धार्मिक मार्ग है। एक ज्ञान मार्ग होता है जिसमें वेद उपनिषद शास्त्रों की बात होती है, कुरान की बात होती है या तोरा की बात होती है, धर्म शास्त्रों की बात होती है। दूसरा है कर्म मार्ग, जहाँ हम कैसे अच्छी तरीके से जिए और कर्म कांड, ईश्वर की आराधना हम कैसे करें, ये दूसरा मार्ग है। और तीसरा भक्ति का मार्ग, डिवोशन। डिवोशन के मार्ग में हम अपने आप को ईश्वर को, भगवान को समर्पित करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं एक मित्र की तरह। ज्ञान मार्ग और कभी कभार कर्म मार्ग, कभी कभार हमें डराता है कि अच्छा और सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, कौन सा करने से अच्छा होगा और कौन सा नहीं करने से आप गलत करोगे या ईश्वर आपसे नाराज होंगे। लेकिन भक्ति मार्ग ईश्वर से प्रेम करने की बात है, ईश्वर को हम सखा की तरह मानते हैं, हमारे मित्र की तरह मानते हैं, इसको प्रेम करने की। मीराबाई अपने भजनों में ईश्वर से कंप्लेन भी करती है। चोखा मेला जो महाराष्ट्र के संत रहे हैं वो ईश्वर से कंप्लेन करते हैं, ईश्वर की कंप्लेन करते हैं कि तूने एक ऐसी दुनिया बनाई जिसमें ऊंच नीच है, जिसमें जो घर बनाता है वो बेघर है, जो अनाज उगाता है वो भूखा है और जो कपड़े बुनता है वो नंगा है। तो ईश्वर से भी कंप्लेंट की जा सकती है और ईश्वर की कंप्लेंट की जा सकती है। वो हमें डराते नहीं हैं, हमें सबसे प्रेम करना सिखाते हैं, ईश्वर से भी प्रेम और ईश्वर ने जो जो सृजन किया है उससे भी प्रेम। सबसे प्रेम करने में ही भलाई है और यही एक जीने का मार्ग है, यही एक मुक्ति का मार्ग है। जब हम सच्चे मन से प्रेम करना सीखते हैं और जानते हैं तो हम सारी ट्रेडिशंस के परे उठते हैं और उन ट्रेडिशंस के परे उठने पर हम नई ट्रेडिशंस बनाते हैं, हम एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से जीना सीखते हैं और जानते हैं। कबीर एक जगह पर कहता है ये जो ज्ञान मार्ग, कर्मकांड का मार्ग और भक्ति मार्ग, उसके बारे में कबीर एक जगह कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोई,
भाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ये उनका बहुत ही प्रचलित कबीर की कंपोजिशन है, हम सब लोग जानते हैं और बहुत ही फेमस और प्रचलित है। लेकिन यही बात कह जाती है कि सारा धर्म मजहब ईश्वर से प्रेम करने में, ईश्वर से अगर हम प्रेम करें और ईश्वर की सृजनता से, और सृजनता में सिर्फ मानव नहीं आते, मानव पशु पक्षी झाड़ क्लाइमेट हमारा पर्यावरण, ये सब इस सृजनता में आता है, और सब अगर ईश्वर की सृजनता है तो हम इनसे हिंसा ना करें, इन पर हिंसा ना करें, इनसे हिंसा ना करें। और यही संदेश हमें भक्ति मार्ग के द्वारा मिलता है। ये जो तीन मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, वो एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है, वो एक दूसरे के साथ मिलकर भी चलते हैं। भक्ति के साथ साथ कर्म भी आता है, और भक्ति मार्ग ये मानता था कि अगर हम अपने कर्म, जो हमारी ड्यूटी है, जो एक लाइफ साइकिल है, हम रोजमर्रा के जीवन में जो काम करते हैं, वही अगर ईमानदारी से, सच्चाई से और एक ईश्वर के प्रति ड्यूटी समझकर करें, तो वही काम हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। और अगर जो काम हम एक भक्ति से करते हैं, एक डिवोशन से करते हैं, नहीं नहीं और उस काम में जो डिवोशन का रस आता है, वही हम सबको पूरे समाज को जोड़ता है। तो यही बातें हमें भक्ति मार्ग बताता है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट संदेश जो इन गीतों में भी आया कि हमारी पहचान को एक एक करके नकारना धीरे, और इन पहचानों से परे उठना। मौलाना रूम तुर्की के एक बहुत बड़े सूफी रहे हैं, और उनके बारे में कहा जाता है, उन्होंने मसनवियाँ जो लिखी उसके बारे में, उसको कुरान ऑफ लवर्स कहा जाता है, प्रेमियों का ग्रंथ। उनको जब ये सवाल पूछा कि आप कौन है, जैसे हमने यहाँ लालन फकीर का सुना, तो मौलाना रूम भी ये कहते हैं कि लोग मुझे पूछते हैं मैं कौन हूँ, और वो कहते हैं मैं ना ईसाई हूँ, ना यहूदी हूँ, ना मुसलमान हूँ, न मैं गगन का हूँ, न मैं आकाश का हूँ, न मैं पाताल का हूँ, न इस धरती का हूँ, न मैं पूरब का हूँ, न मैं पश्चिम का हूँ। ये सारी जो आइडेंटिटीज लेकर, पहचान लेकर लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, या एक पहचान दूसरे पहचान से अच्छी है ये बात करते हैं, उनको नकार कर मौलाना रूम ये कहते हैं कि मैं बंदा सिर्फ ईश्वर के प्रेम में खोया हुआ हूँ, और उसी वही मेरी पहचान बनाना चाहता हूँ, मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ। अब हम आगे नीला जी और अमरेंद्र गणेश्वर से आगे की गाने सुने, अभंग गायन, धन्यवाद, थैंक यू। संत तुकाराम के अभंग गायन से हम शुरुआत करते हैं। इस अभंग में तुकाराम कहते हैं कि जो दीन दुखी है उन्हें जो अपनाता है वही अच्छा इंसान है, वही भगवान भी है, देव भी है, देव तेथे ची जानावा। और जो आप खुद का पराया इस तरह नहीं समझता वो सबसे अच्छा है, और उसी को हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। जे का रंजले गांजले त्यासी भणे जो आपुले, ये इसका मतला है। हा, 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 हा,
जो एक संत था 13वीं सदी का, आज हम जिन्हें दलित कहते हैं उनको महार कहला जाता है, और चोखा मेरा महार था, और महार होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश निषिद्ध था। वो अपनी अंदर की आंखों से विट्ठल को, अपनी देवता को देखता था, उसका ध्यान करता था, उसके बारे में सोच सोच कर जीवन बिताता था। वो खुद के लिए कहता है कि जैसे शुगर केन ऊपर से कठिन होती है, कड़क रहती है,
लेकिन अंदर उसके रस रहता है। जैसे कमान टेढ़ी रहती है, तीर सीधा होता है। नदी झिकझैक बहती है, लेकिन पानी सीधा बहता है। उसी तरह चोखा महार होकर भी उसका भाव जो है बहुत शुद्ध है, बहुत बढ़िया है। उस डोंगा परी उस डोंगा परी रसनो हे डोंगा 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 काय भुलला शिवरलिया रंगा काय भुलला शिवरलिया रंगा काय भुलला शिवरलिया रंगा डोंगी परी
मजेदार आपको शब्द सुनाई देते हैं बट उसका मीनिंग बहुत स्पिरिचुअल है और बहुत अलग तरीके का वर्णन महाराज जी ने वहाँ किया है. एक स्त्री का वर्णन है, आप जान लीजिए, करीबन 400-500 साल की स्त्री, पुरानी औरत बात कर रही है और उन्होंने अपने पति को विकल्प माना है और पति को विकल्प मान के वो अपना जीवन प्रबोधन कर रही है. और प्रबोधन करना यही मतलब है भारूड का. भारूड मतलब बहुरूढ़, जो हमेशा एक प्रैक्टिस किया जाता है. ऐसे जो पुराने प्रोफेशंस थे उन प्रोफेशंस को लेके संत एकनाथ ने ये भारूड बनाए हैं, जिसमें जो स्त्री कहती है मुझे मुक्त करो, मुझे ना ससुर चाहिए, ना सास चाहिए, ना ननन चाहिए, ना दादला चाहिए, हस्बैंड कोई भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अकेली होऊंगी तभी मैं खुद को मुक्त कर पाऊंगी. अब उस जमाने की स्त्री का सोचिए थोड़ा कि उसको इस तरह अकेलापन उसको क्यों ज़रूरी लगा. हम लोग संसार में गृहस्थी में जी कर भी अपनी मुक्ति पा सकते हैं, वो ज़माना अलग था. और वो कहती है कि वो बहुत भोली है, तो गाना इस लफ्ज़ों से शुरू होता है कि वो बहुत भोली है और एंड में बता देती है, महाराज गर्भधार तो बता देते हैं, नटशेल बता देते हैं पूरे प्रबोधन का, जिसमें वे बता रहे हैं कि वो औरत ने
किस तरह का ब्लाउज पहना है, ब्लाउज को उन्होंने चोली ये इस्तेमाल किया है शब्द, बारह खणांची एकच चोली, ये बहुत डीप मीनिंग है इसका। बारह खंड यानी नॉर्मल अपने को लगता है कि बारह टुकड़ों की बनाई हुई चोली उसने डाली है। वह औरत कैसी है, एक मन एक बुद्धि, ये हुए दो खंड, पांच कर्मेंद्रिय और पांच ज्ञानेंद्रिय। मेरे आँख भर आ रहे हैं और मेरा गला भी भर आ रहा है ये बताते हुए कि पांच कर्मेंद्रिय पांच ज्ञानेंद्रिय एक मन और एक बुद्धि, ऐसी चोली पहनी हुई स्त्री अपनी कथनी रसिकों के सामने पेश कर रही है। बाईनी भोली गा भोली, बाईनी भोली गा भोली, हे भोली गा भोली, बाईनी भोली गा भोली, नवऱ्याला घालते आंबड्याची तरी, नवऱ्याला घालते आंबड्याची तरी, मी बाई खाते साखर पोळी, हाय बाईनी भोली गा भोली, बाईनी भोली गा लई भोली। जाती है लेकिन बहुत मुश्किल शब्दों में जनाबाई ने किया हुआ भारूड है, आप समझ सकते हैं। नामदेव जी की वे दासी थी, वे भी एक स्त्री संत थी और गुरु साहिब में नामदेव के साथ उनके भी कुछ वाणी है, गुरुवाणी में उनके अभंग है। इन्होंने नवरा यानी अपना पति, अपनी सास, अपना देवर, अपनी नौनन, अपनी भौजाई, इन सबको विकल्प मान के अपनी कथनी
जन के सामने साकार की है। मरुदे नवरा ओ खंडे राया मारी न तुला बकरा माझा लग्नाचा मरुदे नवरा ओ माझा लग्नाचा मरुदे नवरा 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 ओ खंडे राया ओ खंडे राया मारी न तुला बकरा माझा लग्नाचा मरुदे नवरा। आगे जनाबाई 13वीं सदी में थे, एकनाथ आगे 16वीं सदी में थे, लेकिन उन्होंने इसी तरह कुछ कहा है
वो एक और भारूड़ गाकर हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। काफ़ी समय हो चुका है, भारूड़ 5 मिनट से ज़्यादा नहीं चलता, लेकिन उसमें इतने सारे लोगों को हटाकर खुद की एक स्पेस बनाने की कोशिश ये संत लोग करते हैं। और जैसे जनाबाई कहती हैं कि मेरे फ्रैगमेंटेड सोल जो है उसको इकट्ठा करना वो चाहती है, वो पूरा टूटी फूटी हुई है अंदर से, लेकिन वो एक होकर विट्ठल की ओर अपनी भक्ति पेश करना चाहती है। एक का जनार्दनी, एकनाथ के गुरु जो जनार्दन है, जनार्दन स्वामी, उनके बारे में एकनाथ की ऐसी कुछ राय है। अब वो किस तरह बताते हैं, ये उलटवासी है, जैसे हमारे रामकृष्ण दास कहते थे, वो उलटवासी है, उल्टा कहना है। तो ये गायत्री गाएगी और मैं बीच बीच में कुछ बातें करूंगी उनसे। सत्वर पाग मला, सत्वर पाग मला पवनी आई भोगावा हिंदुला, सत्वर पाग मला भवनी आई भोगावा हिंदुला, सत्वर पाग मला भवनी आई भोगावा हिंदुला, सत्वर पाग मला भवनी आई भोगावा हिंदुला। सासरा माझा गावी गेला, सासरा माझा गावी गेला, तिकडेच कपवी त्याला भवानी आई रोडगावा हिंदुला, तिकडेच कपवी त्याला भवानी आई रोडगावा हिंदुला, सत्वर पाव ग मला भवानी आई रोडगावा हिंदुला। सासू माझी जाच करती, सासू माझी जाच करती, लवकर निर्दाळी तिला, लवकर निर्दाळी तिला भवानी आई रोडगावा, लवकर निर्दाळी तिला भवानी आई रोडगावा हिंदुला, सत्वर पावग मला भवानी आई रोडगावा हिंदुला, सत्वर पावग मला भवानी आई रोडगावा हिंदुला। जाऊ माझी फडफड बोलती गोय बाया, जाऊ माझी फडफड बोलती, ओ काय सांगू, येता जाता येता जाता नुसती नुसती बोलती बघा मला, तिथून काय करायचं, कंटा येऊन गेला बघा मला नुसता। सासू माझी फडफड बोलती, जाऊ माझी फडफड बोलती, उडती करगतीला काय बोलत राहिली, करगतीला भवानी आई रोडगावा हिंदुला, उडती करगतीला भवानी आई रोडगावा हिंदुला, सत्वर पाव ग मला भवानी आई रोडगावा हिंदुला, सत्वर पाव ग मला भवानी आई रोडगावा हिंदुला। संपून टाकणार सगळं बघा, दादला मारून आहुती देईन, आहुती दादल्याची, दादला मारून आहुती देईन,
सत्वर पावग मला भवानी आई रोडगा वाहिन तुला सत्वर पावग मला भवानी आई रोडगा वाहिन तुला आता काय राहायला काय एका जनार्दनी सगळेच जाऊ दे सगळे जाऊ दे असं पण काय ग आपण पण त्याच्यामध्ये आलो काय ग तुम्ही पण जावा असं तुला भवानी आई रोडगा वाहिन तुला